हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसमें ये सब हमने डिस्कस कर दिया था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सभी किससे बने होते हैं? आपके पार्टिकल्स से। फिर ये भी आपने कर लिया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इसमें क्या क्या थी? चार मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज जो हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे वो क्या है आपका? स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं आपकी? मेन थ्री स्टेट्स होती हैं, और उनके क्या क्या नाम हैं आपके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों स्टेट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम वन बाय वन अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट जो है आपकी स्टेट ऑफ मैटर वो क्या है? सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है बेटा आपका? दी ऑब्जेक्ट्स दैट हैव ए डेफिनेट, डेफिनेट मीन्स क्या है आपकी? फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी क्या होती है? फिक्स होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी मैटर हैं ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, दे आर वेरी क्लोजली या टाइटली पैक्ड, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, बहुत कम स्पेस होता है। फिर उसके बाद है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, उनको हम ईजिली आप उनको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम, दे हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल, जिसकी वजह से हम इनको ईजिली ब्रेक डाउन या सेपरेट नहीं कर सकते। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव लीस्ट स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, क्योंकि क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। दी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है दी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो स्पेस कम होता है तो मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर सकते, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स में वो मिनिमम होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके टेबल, चेयर, पेन एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, ठोस है, कठोर है, जिसकी फिक्स शेप है और फिक्स ही वॉल्यूम है, तो वो किस में आएगा आपका? सॉलिड्स में। सेकंड हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, शेप चेंज होती रहती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड और प्लेस्ड, जिस तरह एक लीटर वाटर है आपके पास, उसको किसी भी कंटेनर में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, एक लीटर है तो वो क्या रहेगा? एक लीटर ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप है, बोतल में डालोगे तो बोतल की शेप हो जाएगी, क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो वो किस में आता है? लिक्विड में। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लेस टाइटली पैक्ड, क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन नॉट एज क्लोज एज इन केस ऑफ सॉलिड्स। दे कैन बी कंप्रेस्ड, कुछ लिमिट में हम उनको क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं बट नॉट मच, ज़्यादा कंप्रेस इनको नहीं कर सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड्स में, वो क्या होता है? नॉर्मल, सारी चीज़ें लिक्विड्स में नॉर्मल होती हैं। मैक्सिमम या मिनिमम किस में मिलेंगी? सॉलिड्स में या गैसेज में। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा वो भी मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या? नॉर्मल होता है, इन बिटवीन गैस एंड सॉलिड। फिर काइनेटिक एनर्जी भी नॉर्मल होती है, एग्जाम्पल आपके वाटर, मिल्क, ऑयल एट्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो क्या है आपकी? गैस। गैस आपकी ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप। दे हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप, शेप भी चेंज होती रहती है और वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम इजीली कंप्रेस्ड
कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है क्योंकि फ्री स्पेस ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में तो वो स्पीडली मूव करते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, और एनी अदर गैस का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपने जो ये पढ़ना है तो इसके लिए जो होमवर्क रहेगा आज के लिए आपका वो क्या है, पेज नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 4 इसको लर्न एंड राइट करना है, और आपने रीड करना है अप टू पेज नंबर 5, यानी कि 1 to 5 पेज नंबर आज आपने रीड करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।